सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज आपकी मैडम आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत कर रही है और आपको हिंदी में स्वर कैसे लिखते हैं वह लिखना सिखा रही है। आप भी मैडम के पीछे बोलेंगे और मैडम कैसे लिख रही हैं वो समझेंगे। सबसे पहले हम लाइन के ऊपर नहीं, छोटी वाली लाइन जिसमें आप हिंदी के अक्सर लिखते हो उसी में लिखेंगे। कक्षा कार्य। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज आपको मैम क्या सिखा रही है? स्वर। स्वर लिखेंगे, आधा स व र, स्वर। स्वर लिखने से पहले आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद स्वर क्या है? अ से अह तक। स्वर मतलब अ से अह तक। अ से अह तक लिखो। स्वर आपने कक्षा नर्सरी, कक्षा आपने एलकेजी में भी सीखा है, जो आज आपको मैडम दोहरान कार्य के रूप में करा रही हैं। आप सभी इसमें अक्षरों की बनावट के साथ मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मैडम स्टार्ट कर रही है, रेड लाइन से थोड़ा सा दूर लिखेंगे। हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़नी है, यहाँ से लिखेंगे अ, एकदम गोल गोल लिखेंगे। आ ई, बड़ी ई का साउंड आप थोड़ा ऊंचा लेकर जाएंगे। ई ऊ, उसको नीचे लेकर जाएंगे, बड़ा ऊ को आप ऊपर लेके जाएंगे। ऊ री ए आई ओ आउ। अंग अह, कोई भी अक्षर आपको लाइन के बाहर नहीं लेकर जाना है, सभी लाइन के अंदर ही लिखना है। और अक्षरों की बनावट तभी सुंदर होगी जब जहाँ खड़ी लाइन आ रही है, मतलब स्टैंडिंग लाइन आ रही है, वो सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। और जितने भी आपके हाफ सर्कल आ रहे हैं उनको आप एकदम गोल बनाएंगे। ए की मात्रा, ए की मात्रा आपको पीछे वाली लाइन से उठानी है। ओ की मात्रा भी आपको पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन से उठानी है। एस औ की मात्रा भी आपको पीछे वाली लाइन से ही उठानी है। अंक की मात्रा को आपको पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगाना है। अह की मात्रा आपको एकदम गोल गोल और सुंदर लगाना है। ये कार्य आप घर पर याद भी करेंगे और जैसा मैडम ने लिखा है वैसे का वैसा गोल गोल राइटिंग में लिखेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी। ओके स्टूडेंट,